दोस्तों नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का मुख्य समाचार ये है, देश के राजधानी दिल्ली में अनुकंपा के आधार पर भर्ती को लेकर बीआरओ के आईजी जो मुख्यालय है उसमें जो है भारत वर्ष के तमाम लोग आकर के आज धरना किए। अनुकंपा से मतलब ये है, सबसे पहले अनुकंपा को जानना बहुत जरूरी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के हर कोने में जो है जो सड़क बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए जो है भारत सरकार द्वारा ये एक एजेंसी है जो सड़कें बनाती है। और आपको बता दूं अनुकंपा इसका मतलब ये है, अनुकंपा के आधार पर भर्ती को लेकर जो धरना हुआ था इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। अनुकंपा मतलब ये है कि बीआरओ में जितने लोग जो है नौकरियां करते थे वो किसी कारण या फिर शहादत हुए हैं या फिर मृत्यु हुए हैं। बीआरओ ये कहता है कि अगर कोई फैमिली वाला, कोई माँ पिताजी या कोई भी अगर बीआरओ के अंतर्गत नौकरी करने वाले अगर काम करते वक्त किसी कारण से मृत्यु होता है या फिर शहादत होता है तो उनके परिवार वालों को जो है नौकरी दी जाती है। लेकिन आपको बता दूं देश की राजधानी दिल्ली में आज बीआरओ के मुख्यालय में लोग जमा हुए, उसके बाद धरना प्रदर्शन किया। इसका एक ही कारण ये था कि लोग जो है बहुत सालों से यानी 5, 10, 15 यहां तक कि 20-30 साल तक जिनों को नौकरी अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिया गया है उनको लेकर के धरना कर रहे हैं। उनका एक ही यही कहना है कि बीआरओ जो उन चीजों को देखकर उन लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। ये जितने भी कैंडिडेट है सब अनुकंपा वाले हैं और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है हर बार की तरह हम लोग को चकमा दे रहा है, गुमराह कर रहा है। 2010 से ऐसे ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो 2019 से और 91 से भी ये मतलब अभी तक वेटिंग है, बट ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हम लोग को भर्ती नहीं कर रहा है। सभी जितने भी कैंडिडेट उनको गुमराह कर रहा है, समझ गए। इसलिए 10 बजे से गेट के सामने खड़े हैं लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया हमारे पूछने के लिए जी। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा जी। और आज सभी कैंडिडेट के ये हालात आ चुके हैं कि सभी कैंडिडेट रोड पे आ चुके हैं लेकिन बीआरओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। और अभी तक की बीआरओ ने नौकरी नहीं दी है जबकि मैंने 10 सालों से 11 सालों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हर साल जो है फॉर्म मांगते हैं, फॉर्म भर के भेजते हैं लेकिन अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार वैकेंसी देते हैं लेकिन वैकेंसी देकर किसी को भर्ती नहीं करते, सारा वैकेंसी सरेंडर कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं लेकिन कैंडिडेट्स को भर्ती नहीं कर रहे। इतनी वैकेंसी का क्या फायदा है? वन टाइम सेटलमेंट मांग रहे हैं वो भी नहीं कर रहे। 645 केस कितना गया, ज्यादा केस थोड़ी है लेकिन डिपार्टमेंट हमारी एक भी सुन नहीं रहा, हमारे साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। हमारी बीआरओ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यही मांग है कि सभी कैंडिडेट का एक बार वन टाइम सेटलमेंट हो। घर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि हद से ज्यादा। सुजीत मेरा नाम दीपक जोशी है, मेरे पिताजी हैं जगदीश चंद जोशी। मेरा 94 का केस है क्योंकि जब 94 में से 2002 तक लेडीजों को इसमें भर्ती करने में प्रावधान नहीं था, जो भी लेडीज आई उन केस के आधार पर आई। जो 17-18 साल से हम 17,000 करोड़ फंडिंग करते हुए लेकिन आज इतने सालों में 94 से इन्हें कोई नौकरी नहीं करी है। हम चाहते हैं वन टाइम सेटलमेंट हो और वेटिंग लिस्ट जीरो करा जाए और हम यहाँ तब तक भी बैठेंगे जब तक हमको रिटर्न में सभी को एक एक मतलब वो नहीं देते, कॉपी टू कॉपी वगैरह नहीं देते तो हम मिलेंगे नहीं। ये बड़ा वाला मैंने कर लिया।